फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, हाउ आर यू ऑल। आप सब देख रहे हो लाइफ साइंस कैफे, जिसमें 8th क्लास की 9th चैप्टर की समरी कर रहे हैं हम। ठीक है, 9th चैप्टर है रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स, और जिसमें हमने शॉर्ट नोट्स जो है वो एनसीईआरटी की बुक से ही हमने कर लिए, उसमें हाईलाइट करके मैंने पढ़ाया है, और ये हम समरी कर रहे हैं। बहुत थोड़े टाइम में हम पूरा चैप्टर कवर कर लेंगे इस समरी में। ये भी एनसीईआरटी की बुक में दी हुई है। देखिए, ये थोड़ा टाइम होता है जब हम पढ़ पढ़ के हम कामयाब हो जाते हैं। ठीक है, इसी टाइम में दूसरे बच्चे खेल रहे होंगे, टीवी देख रहे होंगे, या फिर कुछ कर रहे होंगे, या जो महिलाएं हैं जो मतलब टीचिंग की तैयारी कर रही हैं, जॉब्स की सर्च में हैं, तो वो लोग कुछ काम कर रहे होंगे, या लेट जाते हैं, या बैठ जाते हैं, या पढ़ नहीं पाते हैं। देखिए, टाइम तो इसी 24 घंटे में से निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो उस टाइम को निकालने के लिए, उसको क्वालिटी टाइम बनाने के लिए आपको पढ़ना है। और अगर आप इस तरह से वीडियो देख के पढ़ते हो, कोई भी वीडियो देख के पढ़ते हो, तो क्या करना है, आपने फ़ोन को चला के रख देना है। ये स्पेशली उनके लिए है जो हाउसवाइफ्स हैं। ठीक है, फ़ोन को चला के रख दो और उसके पॉइंट्स को समझो कि वो क्या बोल रहे हैं, क्या लिखा हुआ है वो देखने की ज़रूरत नहीं है। हालांकि कुछ काम ऐसे भी होते हैं जिसमें बीच बीच में आप स्क्रीन को देख सकते हो। और जो बच्चे हैं, जो सपोज़ कुछ ज़्यादा काम करना होता है कुछ बच्चों को घर में, वो भी इस तरह से कर सकते हैं कि फ़ोन को रख के उसको सुने आराम से। तो चलिए इस चैप्टर को कवर करते हैं। यू हैव देर आर टू मोड बाई विच एनिमल रिप्रोड्यूस। दो तरीके हैं जिससे एनिमल रिप्रोडक्शन होता है, सेक्शुअल रिप्रोडक्शन, ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन रिजल्टिंग फ्रॉम फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट इज कॉल्ड सेक्शुअल रिप्रोडक्शन। देखो, जिसमें सेक्सेस इन्वॉल्व होते हैं, सेक्सेस क्या करते हैं, गैमेट्स प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम स्पर्म्स प्रोड्यूस करता है, फीमेल रिप्रोडक्शन ओवम रिलीज करता है। तो जो मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट इन्वॉल्व होते हैं, जिसमें गैमेट्स रिलीज होते हैं, गैमेट्स का फ्यूजन होता है, जिसे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स जो फीमेल में होते हैं, जैसे ओवरीज, ओविडक्ट और यूट्रस, और मेल में जो होते हैं वो टेस्टिस, स्पर्म, स्पर्मडक्ट और पेनिस। ठीक है, तो हम किस तरह से याद करेंगे इसको, ओवरीज जो अंडे रिलीज करती है, इस तरह से एक ओवरी होती है। ठीक है, एक ट्यूब होती है जो इनको, इन अंडों को ले जाती है यूट्रस में। ये हमारा यूट्रस है, ये ओवरीज है, और ये ओविडक्ट है। तो जैसे फीमेल में ये तीन चीज़ें होती हैं, ओवरीज, ओविडक्ट, यूट्रस, इसी तरह से मेल में भी दो टेस्टिस होते हैं जो स्पर्म रिलीज करते हैं, स्पर्म डक्ट होते हैं, इन स्पर्म को इकट्ठा करते हैं और फिर ये पेनिस में चले जाते हैं। ये हमारा पेनिस होता है जो रिलीज करता है इस इन स्पर्म्स को। ठीक है, तो यही दो टेस्टिस और एक दो स्पर्म डक्ट और एक पेनिस, इसी तरह से दो ओवरी, दो ओविडक्ट और एक यूट्रस, ये फीमेल में होता है। हो गया ना, सेम है बिल्कुल। तो मैंने इसका थोड़ा सा ट्रिक भी बताया था कि अगर आपको ये ध्यान नहीं रहे कि पेनिस कहाँ होता है, पेनिस एक है और इसमें क्या है, फीमेल में आपका यूट्रस एक है, तो यू पी, ठीक है, यू पी बन गया दोनों को मिला के यू पी। ओविडक्ट दो होते हैं, स्पर्म डक्ट दो होते हैं, इनको याद करने में दिक्कत नहीं आएगी। ओवरीज जो रिलीज़ करती हैं, और टेस्टिस जो रिलीज़ करती है स्पर्म को, ओवरीज जो ओवा को। ठीक है, तो ये दो चीज़ें आप उस तरह से याद कर लेना। अब है ओवरी प्रोड्यूस करती है फीमेल गैमेट्स, जो ओवरी प्रोड्यूस करती है उसे ओवा कहते हैं, है ना। टेस्टिस जो प्रोड्यूस करता है मेल गैमेट उसको स्पर्म कहते हैं। ओवा और स्पर्म का फ्यूजन जो है वो फर्टिलाइजेशन कहलाता है, और जो फर्टिलाइज्ड एग है वो जायगोट कहलाता है। फर्टिलाइजेशन इंटरनल होती है, इंटरनल मतलब फीमेल बॉडी के अंदर ही होती है, तो इस तरह की फर्टिलाइजेशन को इंटरनल फर्टिलाइजेशन कहते हैं। जैसे इंसानों में, जानवरों में, हैंस, डॉग्स, काउस, ये देखिए ना, इनमें सब में इंटरनल फर्टिलाइजेशन होती है। फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस आउटसाइड द फीमेल बॉडी इज कॉल्ड एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। जो फीमेल बॉडी के बाहर होती है उसको एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन कहते हैं। जैसे फ्रॉग्स है, फिशेस है, स्टार फिशेस है, समुद्र के ज़्यादातर जानवर ऐसे ही करते हैं। जायगोट डिवाइड रिपीटेडली टू गिव राइज टू एम्ब्रियो। अब जो जायगोट बन जाता है, मतलब मेल और फीमेल का फर्टिलाइजेशन होने के बाद जो भी स्ट्रक्चर बनता है उसे जायगोट कहते हैं। ठीक है, अब जायगोट भी कई बार डिवाइड करता है, बॉल की तरह स्ट्रक्चर बनाता है, एक दो सेल, फिर चार सेल, फिर आठ सेल, इस तरह से उसको एम्ब्रियो कहते हैं। एम्ब्रियो गेट्स एम्बेडेड इन द वॉल ऑफ यूट्रस फॉर फर्दर डेवलपमेंट। अब ये एम्ब्रियो क्या करता है, जो यूट्रस की वॉल होती है ना, उससे अटैच हो जाता है और वहाँ पे फर्दर डेवलपमेंट होती है उसकी। ठीक है, यू शेप बॉडी मैंने बताया था, जैसे बच्चे को बिठाना होता है कहीं पे अकेले थोड़ी देर के लिए, तो हम ऐसे सोचते हैं कि गिर ना जाए, तो यूट्रस उस तरह से याद कर लेना, यू फॉर
जैसे यू टोकरी जैसा दिखता है। स्टेज ऑफ एम्ब्रियो इन विच ऑल द बॉडी पार्ट्स इज आइडेंटिफिएबल इज कॉल्ड फीटस। फीटेसाइट्स होता है ना, जब बच्चों को मार देते हैं, लड़के की चाह में लड़की को मार देते हैं, वो किस स्टेज में मारते हैं, जब उनको सारे बॉडी पार्ट्स दिखाई देने लग जाते हैं, जब दिखाई देने लग जाते हैं उस स्टेज को ही फीटेसाइट कहते हैं, फीटस कहते हैं, सॉरी, फीटेसाइट होता है उसे मारना। एनिमल सच एज ह्यूमन बींग, काउज एंड डॉग्स विच गिव बर्थ टू यंग वन आर कॉल्ड वीवी पैरस। ठीक है, जो अंडे देते हैं वो ओवी पैरस होते हैं, जो वीवी पैरस होते हैं वो अपने जैसे ही बच्चे पैदा कर सकते हैं। कुछ जैसे फ्रॉग, लिजर्ड, बटरफ्लाई अंडे देते हैं, उनको क्या कहते हैं, ओवी पैरस। ओफ ओ जैसे अंडा है खुद, इसको ऐसे याद करना। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द एडल्ट थ्रू ड्रेस्टिक चेंजेस इज कॉल्ड मेटामॉर्फोसिस। देखिए, हम लोगों में मेटामॉर्फोसिस तो होती नहीं, क्योंकि जो ह्यूमन बींग का बच्चा है वो बचपन से ही, मतलब पैदा होते ही अपने पेरेंट्स के सिमिलर होता है। उसी तरह से दो हाथ पैर होते हैं, है ना, मुंह होता है, नाक होता है, तो कोई चेंज नहीं आता, बस उसके साइज़ में फ़र्क पड़ जाता है। तो लेकिन जो जिसमें पहले अंडा बनता है, फिर लार्वा बनता है, फिर प्यूपा बनता है, फिर एडल्ट बनता है, इस तरह से जो चेंज होते हैं उनको बोलते हैं मेटामॉर्फोसिस। टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन इन विच ओनली ए सिंगल पेरेंट इज इन्वॉल्व इज कॉल्ड ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन। अब हमने ये भी पढ़ा था, दो तरह की रिप्रोडक्शन होती है, एक ए सेक्शुअल, एक सेक्शुअल। इन हाइड्रा न्यू इंडिविजुअल डेवलप फ्रॉम बर्ड्स। हाइड्रा जो होते हैं उसमें हमने पढ़ा था ना कि बर्ड्स से डेवलपमेंट होता है, एक ऐसे बर्ड निकल आती है और फिर वो दूसरे हाइड्रा में जब थोड़ा सा मेच्योर हो जाता है तो डिटैच होता है पेरेंट प्लांट से और फिर अपना इंडिविजुअल लाइफ इंजॉय करता है। तो वैसे तो ये बर्ड से निकलता है, लेकिन इस तरह के रिप्रोडक्शन जिसमें सिर्फ एक ही पेरेंट इन्वॉल्व होता है उसको ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं, और इस तरह की जो प्रोसेस होती है उसे बडिंग कहते हैं, बर्ड निकल के नया इंडिविजुअल बनना। अमीबा रिप्रोड्यूस करता है इटसेल्फ इनटू टू। अमीबा कैसे रिप्रोड्यूस करता है, अमीबा का पहले जो न्यूक्लियस होता है वो दो में डिवाइड होता है, फिर अमीबा की जो मेम्ब्रेन होती है वो दो में डिवाइड होती है। ठीक है, अब फिर दो जो न्यूक्लियस बन जाते हैं वो दोनों दोनों अलग हिस्सों में चले जाते हैं, तो उस तरह से अलग अलग अमीबा बन जाते हैं। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को कहते हैं इस तरह के एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जिसमें पहले जो आपका न्यूक्लियस है वो डिवाइड होता है, फिर मेम्ब्रेन डिवाइड हो जाती है, मेम्ब्रेन दो में डिवाइड कर जाती है, और बाइनरी फ्यूज़न कहते हैं फिर उसको। ठीक है, तो इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग लाइफ साइंस कैफे। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर देना। थैंक यू वंस अगेन।